हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल वासु के व्लॉग में। और आज की ये वीडियो होने वाली है गांव के परिप्रेक्ष्य में, यानी कि जो भीषण गर्मी पड़ी है अभी हमारे गांव में, यानी कि उत्तराखंड, पूरे भारत में ही अभी बहुत भयंकर जोर शोरों की गर्मी पड़ी हुई है। और देखिए हमारे गाँव में किस हिसाब से हम अपने को ठंडा रखते हैं और कैसा जुगाड़ बना रखा है। यहाँ गदेरे के साइड में एक बड़ा सा आप स्विमिंग पूल कह सकते हैं, पहाड़ी स्विमिंग पूल, जो हमारे यहाँ रोकड़ वालों ने, यानी कि जो क्रेशर वाले, उन्होंने बनाया है। ये दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं आपको स्पॉट की तरफ और देखेंगे कितना एंजॉय करते हैं और कितना मज़ा आता है नहाने में गदेरे में। तो ले चलते हैं आपको व्लॉग की तरफ। दोस्तों शुरुआत हो चुकी है हमारे घर से निकलने की और नीचे है हमारी पार्किंग गाड़ी का, जहाँ से मैं गाड़ी उठाऊँगा, क्योंकि मुझे गाड़ी भी धोनी है तो गाड़ी को भी लेके जाऊँगा, बाइक को अपनी, बहुत गंदी हो चुकी है। और ये देखिए बहुत भयंकर भीषण गर्मी पड़ी हुई है। और दोस्तों आपको ये देखिए आप मधुमक्खी पालन का, यहाँ मधुमक्खी इधर स्टोर है जो अभी शहद हनी बनाएगी, देख रहे हैं आप। ये है पहाड़ी जुगाड़। और ये रहा दोस्तों अपना गैराज, जिस जहाँ मैंने अपनी गड्डी डुक डुक को पार्क किया रहता है। और ये सारा मटेरियल पड़ा हुआ है, यहाँ दुकान का मटेरियल है, बनाएंगे कभी, बाकी करते हैं स्टार्ट, बाकी डब्बे डब्बे लेके चलते हैं पानी भरने के लिए, पानी फेंकने के लिए। दोस्तों यात्रा हो चुकी है अपनी स्टार्ट, यहाँ से गाड़ी उठा के सीधे गिरसा की तरफ जहाँ है वो गदेरा, दिखाते हैं आपको गदेरा। ये रहा अलकनंदा नदी और ये रहा दोस्तों हमारे यहाँ का रोड का ब्रिज। और ये दो ब्रिज है यहाँ, एक पैदल मार्ग है और एक रोड का है। ये देख रहे सामने आप कितना मस्त नज़ारा है। बाकी ये कच्ची रोड है, 14 साल हो गए इस रोड को बने हुए, हमारे विधायक लोग कुछ कर नहीं रहे इसके लिए। और ये है हमारे यहाँ के भैरवनाथ स्वामी, जय भैरवनाथ स्वामी। और सामने देखिए आप स्मृति द्वार, बर्तवाल पुत्र श्री जीवन सिंह बर्तवाल के स्मृति के द्वार में बना रखा है। और सामने रहा दोस्तों मनरेगा ग्रामीण हाट और ये बखारी होम स्टे कहते हैं जिसको। और सामने है मेरे है बीएड कॉलेज, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, यहाँ बीएड कर सकते हैं आप, प्राइवेट भी है। और भीषण गर्मी, अकाल, ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। उसके चलते मद्देनजर रखते हुए मैं भी चला अपने पथ की ओर। दिल्ली 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 बोलो, दिल्ली 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 दिल्ली। और गाइस जहाँ पे मुझे गांव के बच्चे मिले हैं वो कह रहे हैं कि वहाँ नीचे गाड़ी लगाने का नहीं है, तो मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ नीचे नदी किनारे, जहाँ मैं गाड़ी भी धो सकता हूँ। दिखा दो आपको, ये रहा मेरे पीछे का बैकग्राउंड, यहाँ नीचे है मेरे गांव का फेमस गदेरा, धारा बोलते हैं जिसको। तो गाइस गड्डी मैंने यहाँ पे लगा दी है और मैं सोच रहा था गाड़ी धोने के लिए नदी के पानी में, बट बेकार है यहाँ गाड़ी धोना, क्योंकि अगर मैं गाड़ी धो के जाऊँगा तो पूरी मिट्टी मिट्टी लग जाएगी गाड़ी पर, तो फ़ायदा नहीं है कोई ना, इसलिए मैंने सोचा मैं अब घर ही में धोऊंगा गाड़ी को, जो होगा यहाँ तो नहीं धो पाऊँगा। और यहाँ गाड़ी फंस भी रही है दोस्तों, ये देख रहे हैं मेरे वैसे भी टायर के, बाइक के टायर गंजे हैं। और ये रहा दोस्तों सामने पे रोकड़ वाला, बोले तो जो क्रेशर वाले हैं, खनन करते हैं यहाँ पर, मिट्टी ले जाते हैं जो, और ये उनके तसले है, असला है, तसला है, ये देखिए सामने। और गड्डी मैंने यहीं पर रखी है और हम जाएंगे आगे ये नहाने, देखिए यहाँ पर ये लड़का भी है नहाने की कोशिश कर रहा है, इसी ने मेरे को ये जगह भी बताई है कि यहाँ पे है, मैं तो आगे आ गया था। ये देखिए गाड़ी पूरी धस रही है नीचे, देखिए दोस्तों अगर मैं थोड़ा देर और रहूँगा यहाँ पे तो ये गाड़ी आधा से ज़्यादा धस जाएगी नीचे मेरे हिसाब से। बाकी मैं भी चलता हूँ, थोड़ा डुबकी मारता हूँ, नहाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि गर्मी हो गई है, जब आ रखा हूँ तो नहा के तो जाना ही पड़ेगा दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। हेलो गाइस, देखिए सचिन तिवारी जी यहाँ पे, 1 2 3 ये बॉय, और लौंडा हो गया सीधा गायब। ये देखिए दोस्तों ये है अलकनंदा नदी के साइड में बना हुआ, वाव। और सचिन ने यहाँ पे कर दिया है पार, ये गहरा कितना है, गहरा गहरा दिखा, गहरा बहुत है। तो ये देखिए दोस्तों ये है नहाने का स्पॉट और मैं हूँ अभी बहुत नदी के बीचों बीच कहते हैं जिसको। ये देखिए सामने वो रहा वो पुल जो मैंने अभी आपको दिखाया,
और ये हमारा गांव है इधर साइड को, इधर साइड को लंगासू गांव पड़ता है, सामने पे अदर गांव पड़ते हैं और ये सामने मेरे गिरसा पड़ता है। ये देखिए ये वाला जो गांव है ये पूरा गिरसा का इलाका है, गिरसा गांव कहते हैं इसको। और ये सामने मेरे पे फ्रंट पे जो है वो लंगासू है, लंगासू गाँव है जो NH 7 से जुड़ा हुआ है, यानी कि नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है इलाका। देखिए बाकी इंजॉय करते हैं हम भी, बाकी कपड़े कपड़े उतारते हैं और भाई गहरा दिखाएगा। ओ गहरा दिखा, गहरा कितना है, खड़ा हो, अरे खड़ा तो हो, अरे गहरा दिखा रे, अरे यार ये दिखा नहीं रहा, मौज कर दी इसने और ना ना के ये हो गया काला, यहाँ पे आ गया लौंडा वापसी में और ये बनाएगा मेरी वीडियो जरा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं भी अभी फुल हफ्ते में या बॉय या या आजकल जरा खुल खुला हो गया है बॉडी, नहाते हम वही अपने मच्छों वाले कच्चे में, इसको लगा डाला लाइव झींगा लाला, झींगा लाला ये बॉय। चलते अभी आगे को मौज लेते हैं गर्मियों में और धंधो दिखाना एक बार सामने, और ये धंधो अपने सामने खड़ी हो रही। सो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ, अरे हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो दोस्तों सासु नहीं ओड़ फाल बना, सासु नहीं ओड़ फाल बना बना कंगे मन दोस्तों। बहुत ठंडा है पानी, बहुत ज़्यादा ठंडा। मैं कितने सालों बाद नहा रहा हूँ, एक ऋषिकेश राफ्टिंग करने में नहाया था बस, और आज नहा रहा हूँ तो बहुत ठंडा पानी है। ओह मज़ा आ गई, जो भी है जैसे भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। और सामने देख ही रहे होंगे आप मेरे धन्नू खड़ी है, और मैं चलता हूँ अभी थोड़ी देर में घर, बहुत हो गया नहाना नुहाना। और सामने का एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दोस्तों सामने मेरे नज़ारा, और यहाँ पे बार बार पत्थर गिर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से ऐसा लग रहा है कोई फेंक रहा है बट अपने आप गिर रहे हैं, देख रहे हैं आप कितनी डेंजर जगह है ये। और ये पूरे क्रेशर वालों ने यहाँ से मिट्टी और पत्थर उठा के लेके गए वो अपने साथ, इस अगर में यहाँ गड्ढे हो गए बहुत बड़े बड़े, और जब पानी का स्तर बढ़ा तो ये यहाँ पानी आ गया पूरा, देख रहे होंगे आप। बाकी चलते हैं दोस्तों हम गम घर, बहुत नहा लिया यहाँ, अभी चलते हैं घर, आगे गाड़ी धोते हैं बस। तो दोस्तों यहीं पर तक का था हमारा, और कर लिया चेंज वगैरह, और बाकी हम भी चलते हैं घर क्योंकि धूप बहुत भयंकर हो रखी है, और मुझे अभी गाड़ी भी धोनी है, अपनी बाइक धोनी है, तो मैं घर ही में धोऊंगा प्रेशर से, यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि उसने फिर गंदी ही होना है, क्या फ़ायदा। और ये देखिए दोस्तों ऐसे गड्ढे करते हैं ये रोखड़ वाले, यहाँ से मिट्टी पत्थर सब लेके, और फिर बाद में गड्ढा हो जाता है, पानी का स्तर बढ़ता है तो यहाँ पानी भर जाता है पूरा, हाँ रेत भर जाती है जो भी है। और गाड़ी ये रही तो धस गई पूरी नीचे, और ये रहा तसला और ये रहा असला, और बताएगा अभी यहाँ पे सचिन करके बताएगा कैसे करते हैं, ये देखिए ये ऐसा लगाते हैं इसको, या और गहरी खुदाई करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये बॉय। और ये पहले मजदूरी का काम करता था गांव में, तो बहुत अच्छा लगता था कि हमारे युवा जो है रोज़गार पर है अभी, भले आजकल ये निठल्ला हो गया वो अलग बात है। तो चलते हैं दोस्तों अभी यहाँ से गाड़ी उठा के, तब आए तो छुटिया ही जान, छुटिया ही जान मतलब छुटिया ही जान के अब जानो भी साथ। स्कॉर्पियो वाले चले गए, हाँ और छोटे छोटे बच्चे यहाँ आ रहे हैं, रुका हुआ पानी, हाँ जिलासू का स्विमिंग पूल, ए मैं बॉय, ए गहरा कितना है गहरा, ए तेरी, ए देखो तुम यहाँ पर सीख रहे हैं ये तैरना लौंडे लोग, ठंडे ठंडे है। और सामने दोस्तों ये रहा हमारा इंटर कॉलेज लंगासू, और ये सामने रहा हमारा गांव, हम वहाँ से थोड़ा आगे आ गए। और ये देखिए दोस्तों
यहाँ पे गांव के लड़के लोग मजे लेते हुए, फुल मजे, फुल भपका। तो बताइए दोस्तों, कैसा फील हो रहा है आपको? ठंडा ठंडा कूल कूल, डर में कूल कूल। और यहाँ पे लॉन्डे स्टंट दिखाएंगे अपना। अरे स्टंट दिखाओ, स्टंट पलटी मारो, पलटी गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में दोस्तों। और इनमें से बहुतों को तैरना नहीं आता यहाँ पे, और जिनको तैरना आता है वो इनको तैरना सिखा रहे हैं, जिनको नहीं आता है फुल गोते मारते हुए। ये बॉय। और चलते हैं दोस्तों, यहीं तक का था हमारे ब्लॉग, बोले तो यहाँ का नहाना। और ये जस्ट सामने बीएड कॉलेज हमारे गांव का, यहीं से डायरेक्ट नीचे पे ये नहा रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए। और मेरी गाड़ी है यहाँ पे खड़ी, और इसको मैं अभी धोने जा रहा हूँ घर को। बड़ा चमक चमका के प्रेशर मार के धोया जाएगा इसको। और लौंडे लोग नहाते हुए फुल गर्मी का मजा लेते हुए। और अभी बहुत सारे लोग यात्रा सीजन वाले भी आ रखे थे, यहाँ यूपी साइड के आ रखे थे, अभी तो चले गए वो। देखिए, और ये बंदा फिर से नहाने की तैयारी में, सचिन तिवारी। सचिन बाबू, सचिन बाबू स्टंट दिखाएंगे अभी। ये देखिए दोस्तों, ये चौथी बार नहा रहा है सुबह से। और देखिए, ये बॉय होली है। ये देखो तो फुल मजे आई, मजे। और यहाँ पे तैरने का प्रशिक्षण देते हुए विशाल अग्निहोत्री, ये देखिए, ये तैरना सिखा रहा है। ये ऐसे करना है, दोनों हाथ पैर चलाने हैं। यस, ये देखिए, आप भी सीख सकते हैं छिछले पानी में। तो दोस्तों, ये रहा आपका पूरा स्पॉट हमारे गांव का, और ये रहा भपका। अभी दिन के बजे हुए हैं एक, खाना खाने का समय है, दिन के एक बज गए हैं। और यहाँ पे ये लोग मौज मस्ती करते हुए, फुल एंजॉय करते हुए। और ये बाबू, ये सचिन बाबू चार बार नहा रहे, चार बार। और ये भाई उल्टे में आते हुए तैरते हुए मस्त, और इसको उल्टी ना हो जाए। ऐ देखो तो पानी में घूमने की स्टाइल, निंजा टेक्निक होली है। गई भैंस पानी में। तो चलते हैं दोस्तों अभी। तो यहीं पर तक था दोस्तों अपना ब्लॉग वगैरह, शूट हो चुका है। और गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी है, ये देखिए। और इसको मैं वॉशिंग करूँगा अभी, गाड़ी धोऊँगा। और बाकी धूप है, अभी एक बज रही है, तो बहुत दिक्कत है, गर्मी बहुत है। और मैं पी रहा हूँ चिल ठंडा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।